करते हो तो सबसे पहले पॉइंट कौन सा आता है हमारे पास? पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? किसी भी एक सेंटेंस को आप लो और उसके जो पार्ट्स हैं, अलग अलग जो भी वर्ड्स हैं, जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं, उनका ना कैरेक्टर निकाल के देखो. उनका रोल यहाँ पे क्या प्ले हो रहा है, उनका यहाँ क्या यूज हो रहा है, वो यहाँ क्या बन रहे, उनको निकाल के देखो. यही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. जब आपको निकाल के उनको देखना है, फाइंड आउट करना है कि वो किसका रोल प्ले कर रहा है, तो पहले आपको वो सारे रोल्स को समझना पड़ेगा कि इस वाले सेक्शन में कौन कौन से रोल्स आते हैं, कौन कौन से टाइप्स आते हैं. तो जब आप टाइप्स की बात करते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन से. नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब भी होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है और प्रपोजिशन होता है. ओके, इतने पॉइंट्स या इतने पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के. एक एक करके समझते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन देख के. बाकी इनका जो भी डिटेल में है, डेप्थ में है, वो हम जब टॉपिक करेंगे तो अच्छे से समझते जाएंगे. अभी सिर्फ एक बार इंट्रो देख लेते हैं. नाउन से स्टार्ट करते हैं. नाउन क्या है? बचपन में रटा था, नाउन इज द प्लेस ऑफ नेम एनिमल एंड थिंग. सॉरी, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस एनिमल एंड थिंग. क्या सिर्फ प्लेस एनिमल या फिर थिंग में काम चल जाएगा? जब आपने बोला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? कुछ है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, कोई पर्सन है? कोई पर्सन नहीं है. फिर ये क्या है? फीलिंग है, एक फीलिंग है ना, सिर्फ हमारे माइंड में है. तो फिर नाउन क्या है? ऑनेस्टी को भी हम बोल सकते हैं ना, नाउन. फिर नाउन क्या है? जब आप नाउन की बात करते हो ना, तो नाउन सिर्फ नेमिंग वर्ड होता है, सिर्फ नेमिंग वर्ड. आप किसी भी चीज का, दुनिया में जो भी चीज प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है, आप इमेजिन कर रहे हो, आप उसको सिर्फ एक नाम दे दो. वो नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा. कुछ भी हो सकता है, जैसे डैडी हो गया, ऑनेस्टी हो गया. ऑनेस्टी आपने क्या किया? एक इमोशन को, एक फीलिंग को, एक हैबिट को आपने क्या दे दिया? नेम दे दिया. राम हो सकता है, कोई भी नेम, किसी भी चीज को नेम दे दो. किसी प्रोसेस को नेम दे दो, किसी पर्सन को नेम दे दो, किसी प्लेस को नेम दे दो, किसी फीलिंग को नेम दे दो. ये सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं. सारी चीजें किस में आती है? नाउन में आती है. नाउन को आइडेंटिफाई किससे करते हैं? जब आपने पर्सन, सबसे पहले पर्सन को लिया. हम इंसान है, लैंग्वेज हमने बनाई है, अपने आप को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप सबसे पहले खुद को लेते हो. पर्सन को जब आपने बात करी, तो पर्सन का रिलेशन किसी भी काम करने से, कोई भी एक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है और उस एक्शन को आप सेंटेंस में दिखाना चाह रहे हो, तो उस एक्शन से जब आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो आप अपने आप को क्या बोल देते हो? सब्जेक्ट बोल देते हो. मैं सब्जेक्ट हूं, मैंने ये काम किया. मेरा इस एक्शन से क्या, कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है. तो मैंने अपने आप को क्या बोल दिया? सब्जेक्ट बोल दिया. अगर मेरा इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इनडायरेक्ट होता, या मैं उस काम को नहीं कर रही होती, तो मैं अपने आप को सब्जेक्ट बोलती नहीं, मैं अपने आप को क्या बोलती? ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी नाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसका वर्ब से या फिर एक्शन से रिलेशन ढूंढने के लिए. जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो सब्जेक्ट बोलते हैं, जब इनडायरेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं. इसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं. नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं. जब आपको सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है या सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है एक सेंटेंस में, जैसे राम
is going to the market. Ram is going to the market. राम है, मार्केट जा रहा है. किसका रिलेशन है मार्केट जाने से? राम का है. जा कौन रहा है? राम जा रहा है. गोइंग से राम का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है. मतलब ये अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है. किससे फाइंड आउट करोगे? क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछोगे? हु इज गोइंग टू द मार्केट? राम इज गोइंग टू द मार्केट. तो राम किसका रिप्लाई बन के आया? हु का रिप्लाई बन के आया? अगर आपने ये लिखा होता, राम इज टॉकिंग टू हर. हर, राम बात कर रहा है भाई. बात कौन कर रहा है? राम कर रहा है. तो वर्ब से या एक्शन से डायरेक्ट रिलेशन किसका है? राम का. मतलब ये जो हर बची हुई है, इसका कौन सा रिलेशन होगा? इनडायरेक्ट वाला रिलेशन होगा. मतलब ये ऑब्जेक्ट रहा होगा. क्वेश्चन जब आपको पूछना होगा तो आप कैसे पूछोगे? राम इज टॉकिंग टू हुम? टू हुम राम इज टॉकिंग? किसका रिप्लाई बन के आएगा? हुम का रिप्लाई बन के आएगा. हर, मतलब जब आपको नाउन ढूंढना था तो वो या तो हु का रिप्लाई बन के आया या फिर होम का रिप्लाई बन के आया. किसके केस में? पर्सन के केस में. अगर आप किसी थिंग के बारे में बात करो या किसी प्लेस के बारे में बात करो तो ये सारे के सारे किसका रिप्लाई बन के आते हैं? व्हाट का रिप्लाई बन के आते हैं. मतलब हमें यहां से क्या पॉइंट मिला कि जब भी आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है, किसी भी नेमिंग वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, तो आप सिर्फ क्या करो, वहां पे क्वेश्चन पूछ डालो. क्या क्वेश्चन पूछ डालो? हु पूछ डालो, हुम पूछ डालो. अगर पर्सन नहीं दिख रहा है, कोई थिंग दिख रही है, तो व्हाट पूछ डालो. जो भी हु या हुम या व्हाट का रिप्लाई बन के आएगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? नाउन होगा, या फिर नाउन की जगह कुछ और होगा. अब वो कुछ और क्या होता है? ये नाउन का ही भाई बंधु होता है. भाई बंधु कैसा? आपने लिखा जैसे जेम्स ate the apple and James is going to market. James ate the apple and James is going to the market. जेम्स दो दो बार आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना जेम्स का हम भजन कर रहे हैं. तो ये भजन से बचने के लिए ही, बार बार चीजों को अवॉइड करने के लिए, क्या अवॉइड करने के लिए? रिपीट होने से अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं. रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, रिपीट होने से बचने के लिए, ये नाउन की हेल्प करने के लिए कौन उतर के आता है? अपना प्रोनाउन उतर के आता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सिर्फ रिपीटेशन को अवॉइड करता है? अगर आपके सामने एक सेंटेंस ऐसा लिखा है, ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट, हु इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट. अब ही किसी का नाम तो है नहीं, पर किसी लड़के को या किसी मेल जेंडर को डिफाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. तो क्या ये किसी रिपीटेशन को अवॉइड कर रहा है? इससे पहले तो कोई किसी का नेम आया ही नहीं, तो ये रिपीटेशन को तो अवॉइड नहीं कर रहा. फिर ये क्या काम करने की कोशिश कर रहा है? किसी मेल को या फिर किसी बॉय को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए यूज हुआ होगा, हो सकता है जेम्स को कर रहा हो रिप्रेजेंट. तो ये जो प्रोनाउन होता है, ये किसी भी नाउन को रिप्रेजेंट भी करता है. मतलब इसके दो काम होते हैं, या तो ये रिपीटेशन को अवॉइड करवाएगा या फिर ये किसी नाउन को रिप्रेजेंट करेगा. तो ऐसा वर्ड जो रिपीटेशन को, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करता है या फिर नाउन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. और प्रोनाउन भी हमेशा किसका रिप्लाई निकल के आता है? जैसे यहाँ पे हु इज गोइंग टू द मार्केट, राम इज गोइंग टू द मार्केट. तो वहां पे ये जो ही है, ही इज गोइंग टू, हु इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट, ये किसका रिप्लाई बन के आ रहा है? हु का रिप्लाई बन के आ रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन है. सेम मैंने पहले लिखा था, राम इज टॉकिंग टू हर. हर क्या था? किसी का नेम तो नहीं था, पर किसी लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा था. लड़की क्या है? नाउन है. किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब ये अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है. रिप्लाई किसका बन के आ रहा है? हुम का रिप्लाई बन के आ रहा है.
राम इज टॉकिंग टू हूम, राम इज टॉकिंग टू हर। नाउन और प्रोनाउन खत्म किया हमने। प्रोनाउन काफी टाइप के होते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। नाउन भी काफी टाइप के होते हैं। एक चीज को हम डेप्थ में समझेंगे, अभी सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड पे, एडजेक्टिव। इसका क्या रोल है, ये किसका मन आता है? देखो आपने क्या लिखा, एड लिखा प्लस क्या लिखा, चेक। मैंने नाउन के या प्रोनाउन के दो केस बताए थे, एक सब्जेक्टिव बताया था, एक ऑब्जेक्टिव बताया था। मतलब ये जो जेक्टिव है किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, या तो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा था या फिर प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब आपने इस जेक्टिव में कुछ चीज क्या कर दी, ऐड कर दी, क्या कर दी, ऐड कर दी। किस में ऐड करी, जेक्टिव मतलब यहां पे हम किसको, जेक्टिव से हम किसको अंडरस्टूड कर रहे हैं, नाउन को या फिर प्रोनाउन को समझ रहे हैं। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन में कोई भी चीज ऐड करे वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, वो एडजेक्टिव होता है। ऐड करने का मतलब क्या, या तो ये इसको इसकी डिटेल्स में कुछ चीज ऐड कर रहा होगा, मतलब इसके बारे में कोई डिटेल दे रहा होगा, या फिर इस नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा होगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे ही इज अ गुड स्टूडेंट। ही जो है वो कौन है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट अपने आप में क्या है, नाउन है। नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। इसमें आपने क्या चीज ऐड कर दी, गुड ऐड कर दिया। स्टूडेंट तो है वो, पर कौन सा स्टूडेंट है, कैसा स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है। क्या कर रहा है, गुड स्टूडेंट में चीज ऐड करने की, डिटेल इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश कर रहा है। इसको हमने क्या बोला, एडजेक्टिव बोला। ठीक है, एडजेक्टिव बोला। अभी एडजेक्टिव को हम और क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव को हम मॉडिफायर भी बोलते हैं, क्योंकि चीजों में या फिर नाउन या प्रोनाउन में कुछ भी चीज मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। अब इसके टाइप कितने होते हैं, तो एडजेक्टिव के टोटल एट टाइप्स होते हैं। एट टाइप्स मतलब क्या क्या है, पहला जब आप किसी की क्वांटिटी की बात करो, क्वांटिटी मतलब क्या, क्या हो सकता है क्वांटिटी, कोई नंबर हो सकता है, या फिर आप बोल दो जैसे अ चेयर, तो वो क्वांटिटी कहलाएगी। दूसरा क्या, क्वालिटी, गुड हो सकता है, नाइस हो सकता है। थर्ड क्या, किसी का साइज, जैसे बिग हो गया, स्मॉल हो गया। किसी की एज, एज कैसे, ओल्ड हो गया, न्यू हो गया। अभी मैं इनको इस सीक्वेंस में क्यों लिखा रही हूं, जब आप एडजेक्टिव्स की बात करते हो और एडजेक्टिव्स को यूज करते हो साथ में, तो आपको जिस मैनर में मैं लिखवा रही हूं, जिस ऑर्डर में मैं लिखवा रही हूं, आपको उसी ऑर्डर में लिखना है। शेप, कलर, ऑरिजिन और मटेरियल। शेप हो सकता है, राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कलर हो सकता है ब्लू, ब्लैक। ऑरिजिन जैसे इटालियन, इंडियन, कुछ भी हो सकता है। मटेरियल वुडन हो सकता है, लेदर का हो सकता है, वुडन, लेदर, कुछ भी। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को, किसी भी नाउन को डिफाइन करने की कोशिश करो, और आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स, जैसे आपको मार्केट में कुछ चीज परचेज करने जानी है, सपोज आपको चेयर्स परचेज करने जानी है, तो उस चेयर के बारे में आपको एक एक डिटेल चाहिए, आपको कौन सी चेयर चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए, क्या कितने नंबर की चाहिए, कितनी सारी चेयर्स चाहिए, उसकी ऑरिजिन क्या है, इंडियन चाहिए, इटालियन चाहिए, चाइनीज तो किसी को चाहिए नहीं, शेप उसका क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, कितनी पुरानी होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, सारी डिटेल्स चाहिए। इन सारी डिटेल्स को जमाना किस ऑर्डर में, किस ऑर्डर में हम लगाएं, वही ऑर्डर किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव
में हम वो ऑर्डर लगाना सीखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने लिखा फाइव नाइस बिग न्यू कुछ और स्ट्रेट ब्लैक इटालियन वुडन चेयर्स। पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। आई बॉट फाइव नाइस पिक न्यू स्ट्रीट ब्लैक इटालियन वुडन चेयर्स। क्या किया आपने यहां पे? चेयर्स को डिफाइन करने की कोशिश करी, चेयर्स में कुछ ना कुछ मॉडिफाई करने की, उनके उनमें कुछ डिटेल ऐड करने की कोशिश करी। जब भी आप डिटेल ऐड करोगे तो किस वे में करोगे? अगर आपने ऑर्डर को उल्टा सीधा कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो इसका जो मीनिंग है ना, उस मीनिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आपको उसका मीनिंग इफेक्टिव बनाना है तो आपको उसे इस ऑर्डर में रखना पड़ेगा। पहले उसकी क्वांटिटी दिखाओ, फिर उसकी क्वालिटी दिखाओ, फिर उसका साइज दिखाओ, फिर उसका टाइम दिखाओ, एज दिखाओ, फिर उसका शेप दिखाओ, उसका कलर दिखाओ, उसकी ऑरिजिन दिखाओ, उसका मटेरियल दिखाओ, और फिर वो नाउन के बारे में। यहाँ पे नाउन क्या है? ये सारी की सारी बात किसके बारे में चल रही है? चेयर्स के बारे में चल रही है। फिर जाके उस चेयर के बारे में या फिर उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस नाउन के बारे में बात करो। तो ये ऑर्डर होता है एडजेक्टिव्स का। इसके बाद फोर्थ पे आ रहा है क्या? एडवर्ब। अभी एडजेक्टिव का क्या काम था? किसमें डिटेल्स ऐड करना था? नाउन या प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करना था? पर ग्रामर में इनको छोड़ के भी तो बाकी वर्ड्स होते हैं ना, नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के। तो इनको छोड़ के जितने भी वर्ड्स हैं उनको अभी के लिए हम अदर्स बोल रहे थे। इन अदर्स में भी तो कोई डिटेल ऐड कर सकता है ना, तो इन अदर्स में जो भी डिटेल ऐड कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। जो भी इनमें डिटेल ऐड कर रहा है अदर्स में, नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। अभी इन एडवर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करना है, या फिर ये एडवर्ब होते कितने टाइप के हैं? तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इसको आप किससे ढूंढने की कोशिश करते हो? वेन लगा दो क्वेश्चन में। जो भी वेन का रिप्लाई बन के आएगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। प्लेस को अगर आपको दिखाने की कोशिश करना है, प्लेस को बताना है, तो प्लेस के लिए आप क्या लगा दो? वेयर लगा दो। मैनर, अगर आपको किसी एक्शन का, किसी और वर्ड का मैनर पता करना है तो आप हाउ लगा दो। और अगर आपको उसका अमाउंट या फिर फ्रीक्वेंसी पता करना है तो हाउ फ्रीक्वेंटली। इनका जो भी रिप्लाई बनके आएगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? एडवर्ब होगा। और ये किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के किसी भी वर्ड को। जैसे आपने लिखा आई रेन क्विकली, क्विकली मतलब तेजी से, जल्दी से। क्या किया आपने? जल्दी से आपने रन किया, मतलब आप दौड़े। इस एक्शन में, इस वर्ब में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अभी वर्ब क्या होता है फिफ्थ में समझ लेते हैं, यही छोटा सा। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जब भी आपको किसी भी एक्शन को, किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को होते हुए दिखाना है, और उस एक्शन को आप किसी एक शब्द से, किसी एक वर्ड से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो वर्ड कौन सा होता है? वर्ब होता है। सिर्फ एक्शन को दिखाएगी क्या वर्ब? नहीं, वर्ब और भी चीजों को दिखाती है। जैसे किसी हैपनिंग को दिखा सकती है, या फिर किसी के होने को, बीइंग को, किसी के होने को दिखा सकती है। एग्जिस्ट करना, एक एग्जिस्ट करना बोल सकते हो आप, कोई कुछ चीज एग्जिस्ट कर रही है, कोई फीलिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो आप उसको किससे दिखाने की कोशिश करोगे? वर्ब से दिखाने की कोशिश करोगे। फाइव हो गए कंप्लीट। सिक्स्थ पे आते हैं, जो कि क्या है?
प्रेपोजिशन। अभी प्रेपोजिशन क्या है? हमने नाउन के प्रोनाउन के दो केसेस देखे थे, सब्जेक्टिव केस देखा था और ऑब्जेक्टिव देखा था। इनके बीच में क्या फंसती है? वर्ब फंसती है, जब भी आपको उस वर्ब से अपने इस ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है, तो इस कनेक्शन को बनाने के लिए बीच में कौन रोल प्ले करती है? प्रेपोजिशन करती है। सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए क्यों जरूरत पड़ी? देखो, सब्जेक्ट जो है उसका तो इस वर्ब से कैसा कनेक्शन था मैंने बताया था, आप पता ही कैसे करते हो, पूरा बेस ही क्या है इसका, डायरेक्ट कनेक्शन जो है, जो इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है वही पूरा सब्जेक्ट होने का बेस है। लेकिन ऑब्जेक्ट का तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मतलब इसको बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन की जरूरत, बीच में आपको कुछ ना कुछ कनेक्ट करने के लिए चाहिए, तो वो कनेक्ट करने के लिए कौन आती है? प्रेपोजिशन आती है। प्रेपोजिशन का रोल सिर्फ इतना है, ये इसको रिलेट करती है, इसको कनेक्ट करती है। और वर्ड्स देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से होते हैं। एक होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या रोल होता है? ये दो वर्ड्स को, जैसे आपने ले लिया राम और मोहन, ये दोनों मार्केट जा रहे थे, ये भी मार्केट जा रहा है, ये भी मार्केट जा रहा है। आप जब दोनों साथ में मार्केट जा रहे हैं तो आपको इनको साथ में दिखाने की कोशिश करनी है। राम भी जा रहा है, मोहन भी जा रहा है, दोनों साथ साथ में दिखा रहे हैं, इनको साथ करके कैसे दिखाएं? अब मैथ्स वाला प्लस तो लगा नहीं सकते, इसलिए आप किसका यूज करते हो? कंजंक्शन का। आपने लगा दिया एंड, राम एंड मोहन आर गोइंग टू द मार्केट। अभी ये राम और मोहन क्या आया? साथ में आए। ये राम और मोहन क्या आए? साथ में आए। किसने इनको साथ में किया? एंड में। एंड किसका रोल प्ले कर रहा है? कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। ऐसे ही इंटरजेक्शन होता है, ये किसी को जोड़ने की कोशिश नहीं करता। इंटरजेक्शन का क्या काम है? किसी की भी फीलिंग्स को, किसी के भी इमोशंस को अलग से दिखाने की कोशिश करता है। अलग से कैसे? जैसे आपने किसी को देखकर एकदम से बोला अलास, तो ये किसको दिखाएगा? किसी की, किसी फीलिंग को दिखाने की कोशिश करेगा, किसी इमोशन को दिखाने की कोशिश करेगा, किसी रिएक्शन को दिखाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। यहां हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक पार्ट है, एकदम बेसिक पार्ट भी नहीं, सिर्फ जो एक एक वर्ड का मीनिंग है, बस हमने मीनिंग देखने की कोशिश करी, मीनिंग जानने की कोशिश करी, बाकी जो भी रहेगा उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक एक टॉपिक को उठा के, एक एक टॉपिक का अच्छे से पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहले उसका मीनिंग देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि जैसे ये नाउन लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, तो हमको देखकर क्या लगा? राम तो हमेशा नाम है, तो नाम तो हमेशा नाउन होता है। ऐसा नहीं, वो उस सेंटेंस में रोल क्या प्ले कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि वो नाउन बन रहा है, प्रोनाउन बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, वर्ब बन रहा है। सेम वर्ड कभी कभी एडजेक्टिव बन सकता है, कभी नाउन बन सकता है, कभी कुछ और बन के आ सकता है। एक एक चीज को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे।